हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास रसोई एट जियास आर्टिस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पकौड़े। तो यहाँ पर हम गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे चाय के साथ, और जो गोभी के पकौड़े होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश गोभी आ रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया गोभी। तो गोभी के को जो है हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, और जो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोभी के जो फूल होते हैं उसको हमने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमने इसको नाइफ़ से नहीं कट किया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गोभी जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ईज़िली हाथ से टूट जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो मोटे मोटे पीसेज हैं वो ही लेंगे, क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं। और इसको अच्छे से वॉश करना है, और किसी छन्नी में हम इसको निकाल कर रख लेंगे ताकि जो गोभी हमारी ड्राई हो जाए और इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। तो साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 हरी मिर्च, और यहाँ पर हम लेंगे लगभग आधा कटोरी फ्रेश हरा धनिया। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसे, बहुत ही अच्छा लगता है ये, तो इसको ज़रूर लेंगे, हरी मिर्च और फ्रेश हरा धनिया। साथ ही यहाँ पर मसाले में हम ले रहे हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गर्म मसाला, और साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं नमक, और आधा चम्मच लेंगे चाट मसाला, क्योंकि खट्टा मीठा टेस्ट इसका अच्छा आता है, थोड़ा सा स्पाइसी, और आधा चम्मच यहाँ पर लेंगे हल्दी पाउडर। तो चाट मसाला भी हम यहाँ पर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जो एक तीखापन होता है और जो चटपटा टेस्ट होता है वो चाट मसाला से ही आता है। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए बेसन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ी कटोरी जो है बेसन लिया है, और जब भी आप बेसन यूज़ करते हैं तो उसको छानकर यूज़ करें, और अगर आप छोटी कटोरी से नाप रहे हैं तो 2 कटोरी लीजिए। और यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, और इसका एक घोल हमने बनाना है, और जो ये बेसन का घोल है हम बहुत पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसको गाढ़ा ही रखेंगे, तो पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी इसमें ऐड करेंगे। और बेसन को जो है बहुत अच्छे से हमने फेंटना है, और जो इसका घोल है बहुत अच्छा सा एक स्मूथ घोल हमने इसका बनाना है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने इतना ही थिक घोल इसका रखना है, एकदम गाढ़ा घोल, क्योंकि इसको हम गोभी में रैप करेंगे तो जो गोभी में अच्छे से चिपकना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो मसाले हम मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पर हम मसाले सारे बेसन में हमने ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मिला देते हैं। मसाले हमने फ्रेंड्स तब डालने हैं जब हम बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, और साथ ही अब यहाँ पर हम फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च हमने जो पहले से काट कर रखी है वो भी इसमें मिला दिया है, और साइड में ही मैंने तेल को गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो हमारा घोल, बेसन का घोल जो है वो फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है गोभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये फूल दिखा रही हूँ, और मैं इसको चम्मच से ही रैप कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी बेसन को इसमें गोभी पे लगा सकते हैं। तो अच्छे से डुबोना है हमने गोभी को बेसन में, ताकि चारों तरफ से गोभी में जो है बेसन लग जाए, और जो तेल है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम गैस को हल्का सा हमने धीमी आँच कर दी है, और एक एक करके सारी गोभी हम इसमें डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार में आप कढ़ाई में उतने ही पीसेस डालिए जो आपस में चिपके नहीं, ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे पीसेस डाल दें वरना वो आपस में चिपक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं कुछ पीसेस हाथ से भी डाल रही हूँ, जो तरीका आपको इजी लगता है, चाहे आप चम्मच से डालिए चाहे हाथ से डालिए, तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, चाहे हाथ से या चम्मच से। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और जब तक इसमें अभी हमने इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, डालने के बाद हम कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो नीचे से है ब्राउन होने लगी है गोभी, तो उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। और अब दूसरी साइड से भी हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही आप ऑयल में गोभी डालते हैं तो एकदम नहीं हिलाना है, वरना बेसन जो है वो चिपक जाता है। तो अभी हम इसको धीमी आंच पर ही पकाएंगे, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे तो ये सिर्फ जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए इसको हम धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे। और अब ये दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको हल्का हिला रहे हैं बीच में से, ताकि अच्छे से और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो गोभी के पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, तो इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी के पकौड़े बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और मैंने इसको एक टिश्यू पेपर में निकाला है,
क्योंकि जो भी पकौड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है, तो इसलिए हम इसको नैपकिन में ही निकालेंगे। और साथ में मैं इसके ले रही हूँ टमाटो सॉस, तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप चाहे तो हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ ले सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े तैयार हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे ये दिख रहे हैं और बहुत ही करारे हैं, मैं टेस्ट भी कर चुकी हूँ इसको, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी तरह से आप बनाइए गोभी के पकौड़े। बस आपने ध्यान देना है कि जब आप पकौड़े बना रहे हैं तो जो गोभी का साइज़ है वो थोड़ा हम बड़ा ही रखेंगे, बिल्कुल छोटा साइज़ नहीं रखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो बड़े बड़े साइज़ का रहता है पकौड़े तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे। और एक ज़रूरी बात कि आप ध्यान रखें, जब आप गोभी के पकौड़े बना रहे हैं तो जो इसका घोल है, जो बेसन का घोल फ्रेंड्स हमने बनाया था, मैं बार बार बोल रही हूँ, उस घोल पे आप ज़्यादा ध्यान दें। और जो उस घोल हम बनाने वाले हैं वो एकदम गाढ़ा घोल बनाएं, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया या घोल आपका पतला हो जाता है तो बेसन का जो घोल है वो गोभी पे चिपकेगा नहीं और गोभी जो है वो साबुत ही रहेगी। तो इसलिए जो घोल है उसको बहुत अच्छा, और घोल को बहुत ही अच्छे से फेंटना है, जैसे हम अंडे को फेंटते हैं, ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे को बहुत अच्छे से फेंटते हैं, वैसे ही बेसन के घोल को पहले फेंटना है बहुत अच्छे से, ताकि उसमें कुछ भी कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने इसमें फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है, उसको भी अच्छे से डालने के बाद बहुत अच्छे से फिर से दोबारा फेंटेंगे। और तब हम जब हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो जाता है उसके बाद ही हमने गोभी ऐड करनी है, और धीमी आंच पर ही हमने इसको फ्राई करना है।